अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज ईसीपीसी के एपिसोड नंबर 2 के अंदर एक और ज़बरदस्त डी आई वाई प्रोजेक्ट आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। प्लांट स्टैंड, प्लांट ट्रॉली, प्लांट डॉली, अलग अलग नामों से जो है वो ये मार्केट में मौजूद होता है। काफ़ी एक्सपेंसिव होता है अगर आप बाहर से लेते हैं, तो इसीलिए मैं खुद इसको डी आई वाई प्रोजेक्ट के तौर पर खुद बना रहा हूँ। इसका मकसद ये होता है कि जब हमारे पास कुछ ऐसे पॉट्स होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं और उनका काफ़ी वेट ज़्यादा होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह उनको रखना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए अगर आपके पास ये डॉली मौजूद होगी तो आप अपना पॉट इसके ऊपर रख देंगे और इजीली उसको कहीं पर भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, पहले नंबर पर आपने देखना है कि आपका पॉट कितने साइज़ का है और उसके मुताबिक आपने जो है वो मेजरमेंट कर लेनी है उस स्टैंड की। मेजरमेंट के मुताबिक मैंने 2 फुट का 2x1 का वुड पीस लिया है, इसको 1x1 फुट के अंदर मैंने कन्वर्ट कर देना है। और क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें वो ज़रा देखते जाएँ। 1x1 की 6 स्टिक्स हैं, स्क्रू हैं टायर के लिए, कील हैं लकड़ियों के लिए, और ये 4 टायर हैं जो इनके नीचे लगाने हैं। बहुत ही आसान है, पहले हमने इस कील को ऊपर से लगा देना है। दोनों साइड से हम जो है वो इस कील को लगा देंगे ताकि हमें उसके साथ अटैच करने में आसानी हो। और अब इसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे। इसी तरह से हमने सारी स्टिक्स लगा देनी है, और जैसे आप देख रहे हैं ये तमाम लग चुकी हैं और काफ़ी जो है वो ये अच्छे से मजबूती से जो है वो ये लग चुकी हैं और इसमें ये लूज़ नहीं है। तो अब यहाँ पर हमने लगाने हैं टायर, और टायर के लिए हम स्क्रू को जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो ये आप काम उससे कर सकते हैं। आप पहले ड्रिल कर दें एंड देन आप इसको स्क्रू को लगा दें। अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो आप अपनी हथौड़ी से जो है वो इसको थोड़ा सा पहले अंदर की तरफ जाने दें और फिर आप स्क्रू ड्राइवर से जो है वो इसको आप अंदर की तरफ पूरा टाइट करके लगा दें। तो बहुत ही सिंपल सा काम है, चारों टायर इसी तरह से लगाने हैं। और जैसे आप देख सकते हैं ये चारों टायर मेरे लग चुके हैं और ये काम ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो बड़ा ही सिंपल काम है, बहुत ही आसानी से जो है आप ये अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो टायर हैं ये 120 वाले हैं, ये उनका रिजल्ट आप देख सकते हैं। आप जो अच्छे से अच्छा लगाना चाहें आप वो लगा सकते हैं। तो बड़ी स्मूथली जो है वो ये ट्रॉली जा रही है। आप ज़रा इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि मैं खुद पहले इस पर चढ़ के देख रहा हूँ कि टूट ना जाए। अच्छा, इसके ऊपर जो मैंने स्टिक्स लगाई हैं वो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा लगाई हैं इसीलिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वज़न को जो है वो ये बर्दाश्त कर सके। अब ये मेरा जो प्लूमेरिया का पॉट है ये काफ़ी वज़नी है, इसको मैं लगाकर इसके ऊपर जो है वो रख रहा हूँ और इसको जो है ज़रा चला कर देखते हैं। ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो बहुत ही आसान प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा है। आप इसको कलर भी करना चाहें तो कलर भी कर सकते हैं, पॉलिश करना चाहें पॉलिश कर सकते हैं। मेरे पास अभी वो चीज़ें मौजूद नहीं है क्योंकि कोरोना की वजह से मार्केट्स वगैरह बंद हैं, तो ये सीन है। आप करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। तो अब आप जहाँ पर अपना पॉट लेकर जाना चाहते हैं आप आसानी से इसकी तरह जो है वो लेकर जा सकते हैं। ख़ुद भी बैठ के इसके ऊपर घूमना चाहें तो ख़ुद भी बैठ के घूम सकते हैं। और वीडियो कैसे लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, कमेंट करें, फीडबैक दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।